आपने आज तक बताया नहीं कभी कि आपने सीखा किससे म्यूजिक। एक गुरु हो तो बताएं साहब, एक भी नहीं है। सिद्धार्थ सागर ने कॉमेडी में एक बड़ा नाम बनाया है और हाल ही में जब उन्होंने कपिल शर्मा शो में काम करना शुरू किया तो उनकी पॉपुलैरिटी कई गुना बढ़ गई। और ये इसलिए भी संभव हुआ क्योंकि सिद्धार्थ की कॉमेडी टाइमिंग के साथ साथ उनकी एक्टिंग और मिमिक्री भी बहुत लाजवाब रही है। इस स्टोरी में हम बात करेंगे मशहूर कॉमेडियन सिद्धार्थ सागर के बारे में। सिद्धार्थ आज अपने करियर में काफी ऊंचाई पर है, लेकिन दोस्तों उनकी कहानी काफी संघर्ष भरी रही है। वो अपनी ही माँ के साथ बड़ी कंट्रोवर्सी में रहे थे। उनकी जिंदगी, रिश्ते और करियर में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन उस सब से वो कैसे बाहर निकले और कैसे इतने गजब के कलाकार बने हैं, तो चलिए आज के इस स्टोरी में हम यही सब जानेंगे। और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल स्टोरी फॉर लाइफ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके रख लें ताकि आपको हमारे वीडियोस के अपडेट लगातार मिलते रहें। सिद्धार्थ सागर का जन्म 15 जून 1993 को राजधानी दिल्ली में एक हायर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। सिद्धार्थ के माँ पापा दोनों ही पेशे से पेंटर रहे हैं। सिद्धार्थ अपने स्कूल टाइम से ही बहुत टैलेंटेड थे और वो अपने स्कूल में ही परफॉर्म किया करते थे। उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन 8 साल की उम्र से ही करना शुरू कर दिया था। 10 या 11 साल की उम्र में ही सिद्धार्थ अपने माँ पापा के साथ मुंबई आ गए और जब वो 13 साल के थे तब उन्हें पहली बार कॉमेडी सर्कस में काम करने का मौका मिला। साल 2006 में कॉमेडी सर्कस चिंच पोकली टू चाइना से उन्होंने अपना टीवी डेब्यू किया। इसके अलावा उन्होंने काफी कम उम्र में ही कॉमेडी शो छोटे मियां बड़े मियां, लाफ्टर के पटाखे और कॉमेडी सर्कस के अजूबे में भी काम कर लिया था। इन सब सफलताओं के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि सिद्धार्थ का मन अध्यात्म की तरफ जुड़ने लगा और वो एक संस्था दिव्य ज्योति जागरण से जुड़ गए। इस संस्था से जुड़ने के बाद वो दिमागी रूप से काफी स्ट्रांग होते जा रहे थे, हालांकि वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से दूर होते जा रहे थे। फिर एक टाइम ऐसा आया जब वो मुंबई छोड़कर दिल्ली आ गए और संस्था में ही स्टेज पर अपनी कला का प्रदर्शन करने लगे। हालांकि सिद्धार्थ के माँ पापा चाहते थे कि सिद्धार्थ इस संस्था से दूर रहे क्योंकि उनके पेरेंट्स को डर था कि उनका बेटा कहीं सन्यासी हो जाए और इस बात को लेकर सिद्धार्थ और उनकी मां में अनबन भी होती रहती थी। इन सब के दौरान सिद्धार्थ के मां पापा मुंबई में ही रहते थे। सिद्धार्थ ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके मां पापा अलग हो गए थे और उनकी मां किसी और के साथ रहती थी। हालांकि इस बात को सिद्धार्थ के मां पापा दोनों ने ही झूठ बताया। सिद्धार्थ की मां ने बोला कि मैं पिछले 30 साल से अपने ही पति के साथ रहती हूं। दिव्य ज्योति जागरण संस्थान में जो गुरुजी थे उन्होंने सिद्धार्थ से बोला कि तुम बहुत होनहार कलाकार हो, तुम मुंबई जाकर अपना नाम रोशन करो। अब सिद्धार्थ गुरुजी की बात मानकर वापस मुंबई आ गए। मुंबई आकर उन्हें एक शो मिला, कॉमेडी क्लासेस, जो लाइव ओके टीवी पर आया था। इस शो के दौरान सिद्धार्थ की हालत दिमागी रूप से काफी कमजोर होती जा रही थी। वो काम तो कर रहे थे पर काम में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी, इसलिए शूटिंग से पहले वो एनर्जी के लिए काफी ज्यादा कॉफी पिया करते थे। वो दिन ब दिन लो होते जा रहे थे और उन्हें डिप्रेशन जैसा लगने लगा। एक दिन सिद्धार्थ ने यह बात अपनी माँ और पापा को बताई। तब सिद्धार्थ के पेरेंट्स ने सिद्धार्थ को बताया कि हम तुम्हें बाइपोलर डिसऑर्डर की टेबलेट्स देते हैं। सिद्धार्थ कहते हैं कि ये मेडिसिन सिद्धार्थ को बिना बताए कभी खाने के जरिए कभी जूस के जरिए दी जाती थी। जब उनके पेरेंट्स ने बताया कि वो लोग सिद्धार्थ को बाइपोलर डिसऑर्डर की टेबलेट्स देते हैं तो ये सुनकर सिद्धार्थ के होश उड़ गए। उन्होंने बताया कि उन्हें वो मेडिसिन दी जा रही थी जिनकी उन्हें जरूरत नहीं थी, इसलिए उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। सिद्धार्थ ने जब इस चीज के लिए मना किया तो उनके माँ पापा ने समझाया कि तुम्हें इसकी जरूरत है और इस बात का सिद्धार्थ को यकीन भी दिला दिया कि सिद्धार्थ ऐसी कंडीशन में अपने आप को पुश करते हुए कॉमेडी सर्कस की महाबली प्रीतम प्यारे और वो और कॉमेडी क्लासेस शो में भी काम किया। सिद्धार्थ बताते हैं कि उनका जो भी पैसा था वो अपनी माँ के अकाउंट में ही रखते थे, लेकिन कुछ टाइम बाद उनकी माँ उनके पैसों को जहाँ मर्जी खर्च करने लगी और पूछने पर बताती भी नहीं थी। वहीं सिद्धार्थ के माँ पापा ने बोला जब सिद्धार्थ ने कॉमेडी सर्कस के अजूबे शो जीता उसके बाद उसका बिहेवियर बदलने लगा। वो रात भर गायब रहता था। सिद्धार्थ के माँ पापा इस चीज के लिए रोका टोका करते थे तो एक बार सिद्धार्थ और उसके पेरेंट्स में काफी लड़ाई हो गई और सिद्धार्थ घर छोड़कर चले गए। अब सिद्धार्थ अपने माँ पापा से दूर हो गए और वो ड्रग्स लेने लगे। उन्होंने काम पर जाना भी बंद कर दिया। इस सब के दौरान सिद्धार्थ को ये भी पता चल रहा था कि उनका करियर तबाह होता जा रहा है, पर वो इस सब से बाहर नहीं आ पा रहे थे। अब सिद्धार्थ ने तय किया कि वो अपनी माँ के पास जाएंगे। माँ के पास जाकर सिद्धार्थ ने कहा, माँ मैं इन सब से निकलना चाहता हूँ। सिद्धार्थ की माँ ने सिद्धार्थ को रिहैब सेंटर भेज दिया।
सिद्धार्थ बताते हैं कि रिहैब सेंटर में जाने के 3-4 दिन बाद ही उन्होंने बोला कि मेरी माँ से मुझे बात करनी है। मेरी इसी बात पर वहाँ मुझे बुरी तरीके से पीटा गया। मार खाते खाते वो कई बार बेहोश भी हो जाते थे। वो कहते हैं जब मेरी बात मेरे मैनेजर से हुई और उन्होंने ही मुझे वहाँ से बाहर निकाला। वहाँ से निकलने के बाद सिद्धार्थ फिर से अपने माँ पापा के साथ रहने लगे, लेकिन पैसों को लेकर इन लोगों में फिर से लड़ाई होने लगी और एक बार फिर सिद्धार्थ ने घर छोड़ दिया। सिद्धार्थ का पिछला वाला घर बिक चुका था। ये दूसरा घर था जो सिद्धार्थ की माँ ने पिछला घर बेच कर लिया था। सिद्धार्थ रात को वहां से निकल आए और अगले ही दिन एक दोस्त के साथ गोवा चले गए। जब वो वापस आए तो एयरपोर्ट वाले रास्ते से ही उन्हें 4-5 लोग पकड़ कर ले गए और उन्हें एक मेंटल असाइलम में भर्ती कर दिया। सिद्धार्थ ने बताया कि मेरी माँ ने एक इंसान के साथ मिलकर मेरे लगभग 5 करोड़ रुपए की बेईमानी कर ली थी, जिनमें प्रॉपर्टी के अलावा बैंक बैलेंस भी शामिल था। वहीं सिद्धार्थ की माँ कहती है, मैंने उसे मेंटल असाइलम नहीं भेजा, वो एक हॉस्पिटल था जिसमें हम सिद्धार्थ का इलाज करा रहे थे। हाँ, क्योंकि वहाँ कुछ मेंटल केस भी थे इसलिए सिद्धार्थ ऐसा बोल रहे होंगे। जहाँ तक बात पैसों की है तो सिद्धार्थ ने काफी प्रॉपर्टी लोन पर ले रखी थी इसलिए उसका सारा पैसा खत्म हो गया। उस हॉस्पिटल से निकलने के बाद सिद्धार्थ के माँ पापा ने उनको एक और संस्था आशा की किरण में भेज दिया। इस संस्थान से जुड़ने के बाद सिद्धार्थ ठीक होते गए और धीरे धीरे वो नशे एंगर दिमागी प्रॉब्लम से बाहर आ गए। ठीक होने के बाद सिद्धार्थ ने फिर से इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। साल 2017 में सिद्धार्थ को मौका मिला द कपिल शर्मा शो में एक छोटा सा स्कूल प्रिंसिपल का किरदार निभाने का। इसके बाद उन्होंने साल 2018 में कॉमेडी सर्कस, 2020 में गेम्स ऑफ फिल्मिस्तान और 2021 में जी कॉमेडी शो में भी काम किया। लेकिन जब उन्हें साल 2022 में दोबारा से कपिल शर्मा शो में काम करने के लिए चुना गया तो यहां से वो कॉमेडी के बहुत बड़े स्टार बन गए। उनका उस्ताद घर छोड़ दास वाला किरदार आजकल बहुत पसंद किया जाता है। साथ ही उनकी मिमिक्री और डुप्लीकेट रोल भी दर्शकों में एक अलग जगह बना चुके हैं। द कपिल शर्मा शो में उनकी एक्टिंग और कॉमेडी वीडियो की क्लिप्स इंटरनेट पर काफी ज्यादा वायरल रहती है। दोस्तों, कुछ ही दिनों पहले सिद्धार्थ अपनी माँ के साथ मीडिया से बात करते हुए भी नजर आए, जिसमें वो बोल रहे थे कि हर फैमिली में प्रॉब्लम्स होती है और मेरे लिए मेरे पेरेंट्स हमेशा से बहुत सपोर्टिव रहे हैं और इसी वजह से मैं बहुत खराब समय से गुजर कर यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। सिद्धार्थ की एक और कंट्रोवर्सी तब सामने आई जब उन्होंने कॉमेडी नाइट लाइव शो की शूटिंग के रिहर्सल के दौरान कॉमेडियन भारती सिंह को जोर से थप्पड़ मार दिया था। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मैंने जानबूझकर तेज नहीं मारा था, ऐसा कभी कभी शूट के दौरान हो जाता है। जब भारती को थप्पड़ लगा तब उनके बॉयफ्रेंड और शो के राइटर हर्ष ने सिद्धार्थ से गुस्से में बोला, भारती को कभी टच मत करना। सिद्धार्थ बोलते हैं कि ये बहुत ही अजीब था, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इट वॉज ए मिस्टेक, पर हर्ष का बिहेवियर मेरे प्रति बहुत गलत था। दोस्तों, सिद्धार्थ सागर सुही जोशी नाम की एक्ट्रेस और मॉडल के साथ रिलेशनशिप में थे। वो दोनों जल्द ही शादी भी करने वाले थे, लेकिन सुही ने बोला कि पास्ट में सिद्धार्थ ने अपनी मां के बारे में जो बोला वो सच नहीं है, इसलिए हम इस रिश्ते को खत्म करना चाहते हैं। ऐसे ही वो दोनों भी अलग हो गए। चलिए दोस्तों, सिद्धार्थ के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें जान लेते हैं। सिद्धार्थ ने वेलापंती नामक एक मूवी में भी काम किया है। यह एक कॉमेडी मूवी थी जो साल 2022 में आई। उस्ताद घर छोड़ दास के अलावा कॉमेडी क्लासेस शो में उनका सेल्फी मौसी का किरदार भी काफी पॉपुलर हुआ था। बात करें सिद्धार्थ की हाइट की तो उनकी हाइट 5 फीट 7 इंच और बॉडी वेट फिलहाल 66 kg है। तो फ्रेंड्स, ये थी लाइफ स्टोरी कॉमेडियन सिद्धार्थ सागर की। उम्मीद है स्टोरी में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। सिद्धार्थ सागर और उनकी माँ की कंट्रोवर्सी के बारे में आपका क्या मानना है और सिद्धार्थ की टैलेंट को आप कितने नंबर देते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल स्टोरी फॉर लाइफ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके रख लें ताकि आपको हमारे वीडियोस के अपडेट लगातार मिलते रहें। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। नमस्कार।